नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेसो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में आज हम RE12 बनाना सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया गया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले आप set.peso.gov.in पे लॉगिन करेंगे, अपने आप RE12 पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ डॉक नंबर पे क्लिक करेंगे, Q2 July to September क्लिक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पहले का एक RE12 बनाया गया है, वो आपको दिखा रहा है। ये जनरेटेड में यस भी है और डिलीवर्ड कंसाइनी के पास एक्सप्लोसिव पहुंच भी गया है। तो RE12 बनाने के लिए आप सबसे पहले क्रिएट RE12 ट्रांसफर के प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ साइन, देन देखिए ये इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें आप ये अप्रोक्सीमेट डेट रीच डेट आपके पास एक्सप्लोसिव कब तक पहुंचेगा कंसाइनी के पास, फिर कंसाइनी का डॉक नंबर, कंसाइनी ऑर्डर नंबर, कंसाइनी ऑर्डर डेट, कंसाइनी लेटर नंबर, डेट इंटीमेटेड रेडीनेस टू रिसीव एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव ऑर्डर्ड, देन कंसाइनर्स डिटेल। इसमें ये तो ऑटोमेटिक रहेगा। सप्लायर रेफरेंस नंबर डालेंगे, यहाँ ट्रांसपोर्ट टाइप डालेंगे, यहाँ रोडवेन सेलेक्ट करेंगे और फिर रोडवेन का नंबर, और यहाँ RE12 क्रिएटर नेम आप अपना नाम डालेंगे, और ये सेलेक्ट रूट एंड ऑक्यूपायर, यहाँ रूट नेम डालेंगे, और देन सेलेक्ट ऑथराइज सिग्नेटरी, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए ये आपके सामने रोडवेन डिटेल आ जाएगा, यहाँ रोडवेन का डॉक नंबर की और लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये उनका उसका कैरिंग कैपेसिटी, और रोडवेन इज़ फ्री। अगर पहले से कोई RE12 किया हुआ होगा तो यहाँ आपको इंगेज दिखा देगा। देन ये आपका रूट सीक्वेंस है, किस डेट को कहाँ कहाँ पहुँचेगा, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ आप मिक्स मोड में जाइए, और जैसे आप मिक्स मोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस होगा। यहाँ ब्रांड आईडी सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड नेम, साइज कोड, क्वांटिटी, नंबर ऑफ बॉक्सेस वगैरह ऑटोमेटिक ले लेगा। सेलेक्ट बॉक्सेस में जाएंगे, सेलेक्ट बॉक्सेस करने के उपरांत आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस होगा, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने ब्रांड आईडी है, क्लास ये है, डिवीज़न ये है, साइज ये है, क्वांटिटी, और ये बार कोड डिटेल आप देख सकते हैं। आपको अगर कुछ गलती हो गया डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट सेलेक्टेड रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू में जाइएगा, आपके सामने ये प्रीव्यू स्क्रीन होगा, और इसमें आप देख सकते हैं सारा डाटा आपने सब सही है, रीचेक कर लें और जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये होगा, कंफर्मेशन मैसेज आपसे पूछेगा, आर यू श्योर, यस पे क्लिक करिए, और यस अब RE12 जनरेट हो गया है। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, और आप जब RE12 फॉर्म में जाएंगे तो देखिए अभी ये नया RE12 जनरेट हो गया है, जनरेटेड यस, डिलीवर्ड अभी नहीं हुआ है। जब ये डिलीवर्ड हो गया तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि RE12 एक्सेप्ट कैसे करता है कंसाइनी। तो साथियों इस तरह से हमने RE12 बनाना सीख लिया है। आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।